डिजिटल गुजरात से आप कमा सकते हैं घर बैठे 5 से 8 हज़ार रुपये। डिजिटल इंडिया में डेटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग और कैप्चर भर के भी आप पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं डिजिटल इंडिया पे अपना अकाउंट। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको मेरे लैपटॉप पे, जहाँ पे चलना है आपको क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आपको टाइप करना है डिजिटल वन इंडिया। जैसे आप डिजिटल वन इंडिया टाइप करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा, जिस पे आपको जाना है डेटा एंट्री पार्ट टाइम जॉब पे। जैसे ही आप डेटा एंट्री वाले पेज पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें आपको बनाना है अपना अकाउंट। सबसे पहले डालना है अपना जीमेल अकाउंट, उसके बाद डालना है उसका पासवर्ड, उसके बाद डालना है उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद डालना है अपनी सिटी, उसके बाद डालना है अपना स्टेट। स्टेट डालने के बाद आपको पुश करना है फिनिश वाले बटन पे। जैसे ही आप फिनिश वाले बटन को पुश करोगे आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें आपको मिलेंगे पहले 10 रुपये। इसमें आप कैप्चर एंट्री डाल सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री डाल सकते हैं। मैं आपको कैप्चर डाल के दिखाता हूँ। स्निप जॉब एंट्री, ये जो यहाँ पे लिखा है ऐसा ही आपको अपने फॉर्म सामने भरना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और उसको सेव कर देना है। इसी तरह से आपको डेटा एंट्री भी करनी है, जिस तरह से लिखा हुआ है वैसा ही नीचे आपको भरना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। आप जितना काम ज़्यादा करोगे, जितने फॉर्म ज़्यादा भरोगे, उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इसी तरह से फॉर्म फिलिंग भी करना है, आप जितने फॉर्म ज़्यादा भरोगे एक दिन में, उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। दिन में अगर आप 450 फॉर्म फिल करते हो तो आप साल के कमा सकते हो 2,45,375 रुपये। कैप्चर एंट्री और डेटा एंट्री से मैंने कमाए हैं 500 रुपये, और आपको सामने दिख रहे हैं मेरे अकाउंट में 500 रुपये और 92 पैसे। आप भी कुछ इनकम कर सकते हैं घर बैठे डेटा एंट्री करके। बनाइए अपना अकाउंट डिजिटल वन इंडिया पे।